ये विचार कि अरेंज मैरिज यानी एक तरह की गुलामी, ये निर्भर करता है। जब मैंने शादी की क्या तुम्हें उनके माता पिता का नाम भी नहीं पता? तुम नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है? तुम शादी कैसे करोगे? मैंने कहा, मैं सिर्फ लड़की से शादी कर रहा हूं। क्या तय की गई शादी बेहतर है या स्थानीय बार में मिलना बेहतर है? विवाह स्वर्ग में बनते हैं, पर आप अपने भीतर नर्क बना रहे हैं। ये सवाल विनीत का है। नमस्कारम सद्गुरु। शादी के जोड़े तय करने के भारतीय तरीके पर एक नेटफ्लिक्स शो ट्रेंड कर रहा है और अरेंज्ड मैरिज के पुराने तरीकों के लिए उसकी आलोचना हो रही है। क्या ये आज के समय में भी उचित है? तो अगर आपको ये पता ना हो, किसी काम की सफलता उसके परिणाम से तय होती है। लक्समबर्ग, जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध और मुक्त समाजों में से एक माना जाता है, एक छोटा सा देश, वहां तलाक दर 87% है। स्पेन तलाक दर करीब 65%, रूस 51%, अमेरिका 43%, भारत 1.5%। आप तय करें कि क्या कारगर है, क्योंकि शादी इससे संबंधित नहीं है कि वो कैसी हुई, किसने उसे तय किया। आपके माता पिता ने उसे तय किया या एक कमर्शियल वेबसाइट ने तय किया, एक डेटिंग ऐप ने तय किया या एक स्थानीय बार ने तय किया जब आप नशे में थे, या आपके कंफ्यूज्ड दोस्तों ने इसे तय किया, या आपने खुद कंफ्यूज्ड होकर इसे तय किया। वैसे भी ये एक व्यवस्था है। ये सबसे अच्छा होगा कि जिम्मेदार समझदार लोग इसे तय करें। ये विचार कि अरेंज मैरिज यानी एक तरह की गुलामी, ये निर्भर करता है, क्योंकि हर जगह शोषक लोग हैं। कभी कभी आपके माता पिता खुद शोषक हो सकते हैं। वो अपने खुद के कारणों, अपने मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह, अपने धन, अपनी बकवास के लिए वो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। खैर वो दर्शन देख रहे होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले ही किसी ने पूछा कि वो अपने लड़के के लिए लड़की चुनना चाहते हैं। एक लड़की काफी शिक्षित है, सुंदर है, दूसरी लड़की के पिता बड़े आदमी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने एक आसान सवाल पूछा, आप लड़की से शादी करना चाहते हैं या किसी की दौलत से? आप मन बना लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी प्राथमिकता क्या है। यह प्राथमिकता पर निर्भर करता है। अगर प्राथमिकता यह है कि शादी से किसी की दौलत आपकी हो जाए और यही मायने रखता है, ठीक, यह आपकी पसंद है कि ऐसा जीवन आपने चुना है। जब मैंने शादी की मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता था, उनके पिता का नाम नहीं पता था, मैं भारत में उसकी जाति या कुछ भी नहीं जानता था। यह सुनकर मेरे पिता बोले, क्या तुम्हें उनके माता पिता का नाम भी नहीं पता? तुम नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है? तुम शादी कैसे करोगे? मेरी ऐसी किसी भी चीज से शादी करने की योजना नहीं है जो आमतौर पर एक लड़की के साथ आ सकती है, बस लड़की से। ये बात है, ठीक है। सभी ने सोचा ये एक आपदा है। आप जानते हैं, खुद से बने सलाहकार हमेशा होते हैं,
हालांकि मैंने जीवन में किसी की सलाह नहीं ली, वो सलाह देते रहे। वो बोले, आप जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ये एक आपदा होगी। मैंने कहा, जो भी हो, जैसे भी हो, whichever way it happens, I knew this much. मुझे पता था ये मेरे ऊपर है, इसे आपदा बनाना या सफलता। क्योंकि आप किससे शादी करते हैं, कैसे शादी करते हैं, कैसे तय किया गया था, किसने तय किया था, इसका महत्व तो नहीं है। How responsible you exist. That's all that is. आप कितने जिम्मेदार हैं, यही सब कुछ है। तो पूरी बहस ये है, क्या तय की गई शादी बेहतर है या स्थानीय बार में मिलना बेहतर है। ठीक है, मुझे लगता है जब आप थोड़ा नशे में नहीं होते हैं तो आपके निर्णय थोड़े बेहतर होते हैं। अगर कोई 18-20 साल का पुरुष या महिला, युवक या युवती शादी करना चाहते हैं तो वह किससे शादी करेंगे? उनके संपर्क वही हैं, उन 10 लोगों के भीतर जो वो अपने जीवन में जानते हैं। एक लड़का या एक लड़की से आप शादी करते हैं, 3 महीने में आप जान जाएंगे। पर ज्यादातर देशों में एक कानून है, तो कम से कम 2 साल आपको झेलना होगा। ये जेल की अवधि जैसा है, अगर आप गलती करते हैं तो कम से कम 2 साल आपको झेलना होगा, फिर आप तलाक दे सकते हैं। ज्यादातर देशों में ऐसा है। वैसे कई धर्मों ने यह तय किया है कि तलाक पूरी तरह से गलत है, आप तलाक नहीं दे सकते। पर जहां ऐसे धर्मों का पालन किया जाता है वहां तलाक की दर सबसे अधिक है। तो भगवान के हुक्म ब्रेकअप को रोकने में सक्षम नहीं है, कानून ब्रेकअप रोकने में सक्षम नहीं है। आपको यह समझने की जरूरत है, जब माता पिता तय करते हैं, मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं हो सकता है उनका निर्णय सबसे अच्छा ना हो पर वो आपका हित सबसे ज्यादा देखते हैं? पर आप उनसे परे परिपक्व हो गए हैं तो अलग बात है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। पर अरेंज्ड मैरिज एक गलत शब्द है, सभी मैरिज अरेंज्ड होती हैं। किसके द्वारा, यही एकमात्र सवाल है। मुझे लगता है कि उनके तय किए जाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिन्हें आपकी भलाई की सबसे अधिक चिंता है, जिनकी बड़ी पहुंच है। क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छा आदमी या सबसे अच्छी महिला नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि पता नहीं वो कहां है। With limited contact that we have, what is the reasonable? सीमित संपर्क के साथ जो भी उपलब्ध है हम उनका जोड़ा बना सकते हैं, बस इतना ही है। तो इसीलिए इन समाजों में तलाक की दर वैसी है। जिनके बारे में मैंने बात की उन समाजों में सफलता की दर बहुत स्पष्ट है। जब माता पिता आपके जुड़ने का आधार होते हैं तो ये थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि वो थोड़ा आगे की सोचते हैं, वरना आपको उसके कपड़े पसंद हैं और आप आज शादी करना चाहते हैं, कल सुबह आपको एहसास होगा कि आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। तो क्योंकि आप 18-20 वर्ष के होते हैं तो कई मजबूरियों या दोस्तों के दबाव के कारण कुछ निर्णय ले लेते हैं जो जीवन भर नहीं टिकेंगे, या कभी कभी आप वाकई किसी से जुड़ जाते हैं और यह सफल होता है, यह अलग मामला है। तो तय करना, सब कुछ तय किया जाता है, कृपया यह समझें। आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, यह आपकी भावना या आपके लालच द्वारा या आपके प्रियजनों द्वारा, यह किसी न किसी तरह से तय किया जाता है। इट इज एन अरेंजमेंट, ये एक व्यवस्था है। आप ये कैसे करेंगे ये आपकी पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका है या वो तरीका है, लेकिन जैसे भी आप करते हैं कृपया इसे जिम्मेदारी से, खुशी से करें। अगर आप जानते हैं कि कहा जाता है विवाह स्वर्ग में बनते हैं, पर आप अपने भीतर नर्क बना रहे हैं। विवाह स्वर्ग में बना है तो बहुत सारे लोग जल्दी वहां जाना चाहते हैं, ये वहां बना है तो वो वहीं जाकर इसे ठीक करना चाहते हैं। नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि आप अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और कई अन्य जरूरतों की वजह से आप जुड़े हैं। अगर आप हमेशा याद रखते हैं कि मेरी जरूरतों की वजह से मैं आपके साथ हूं,
आप इसे जिम्मेदारी से करेंगे। शुरू में आप ऐसे ही होते हैं, कुछ समय बाद आपको लगता है कि उसे आपकी जरूरत है, फिर आप गलत व्यवहार करना शुरू कर देंगे, फिर कई अलग अलग तरीकों से कड़वाहट जरूर शुरू हो जाएगी। ऐसा हुआ, एक युवक और एक युवती की सगाई हुई, तो एक बार, इस तरह नहीं, एक डायमंड होना चाहिए, रिंग पहनने के बाद युवती ने युवक का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे साथ अपना दर्द, अपने संघर्ष, अपने कष्टों को साझा कर सकते हैं, आप हमेशा मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आदमी ने कहा, ठीक है, पर मुझे कोई संघर्ष या पीड़ा या समस्या नहीं है। उसने कहा, हां, पर हमने अभी शादी नहीं की है। तो अगर आपको लगता है कि आप दर्द, संघर्ष, समस्याओं से भरे हैं और आपको किसी के साथ की जरूरत है, तो परेशानी होगी। आप खुद को एक आनंदमय, अद्भुत इंसान बनाते हैं, फिर आप देखेंगे आपका काम भी अद्भुत होगा, आपका घर भी अद्भुत होगा, आपका विवाह अद्भुत होगा, सब कुछ अद्भुत होगा, क्योंकि आप वैसे हैं। इसे ठीक किए बिना आपको लगता है कि कोई और आपको ठीक करेगा, तो आपके लिए मुश्किल और निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होने वाला है।